अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं ईटिंग एंड आउटिंग के नए एपिसोड में। मैं आ गया हूँ सदर लाहौर कैंट सदर बाज़ार में और मेरा फूड पॉइंट है भाई भाई के कबाब। ये दो भाइयों ने शुरू किया था और 50 साल हो गए इसको और मैं बचपन में यहाँ आता था। आज इनसे बात करते हैं, इनकी रेसिपी पूछते हैं। आए मेरे साथ। नाजिन देखें, ये दुकान आज भी इनकी वही है, छोटी दुकान है इन्होंने रखी हुई है, मतलब बड़ी दुकान नहीं। अच्छा भजन, कब से आप आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं आप? कम से कम 30 साल। 30 साल से? कम से कम 30। तो आपको कैसा? मैं भी स्कूल बॉय से आ रहा हूँ। मैं भी स्कूल से आ रहा था। अच्छा अच्छा, अच्छा वेरी गुड। नाजिन वो कह रहे मैं 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ और ये पढ़ते थे जिस तरह मैं ही इधर पढ़ता था और ये कह रहे 30 साल से आ रहा हूँ, वही टेस्ट है जी। नाजरीन मैं आ गया हूँ भाई भाई कबाब। आपको पता है ये बहुत फेमस है, 50 साल से ये शॉप कर रहे हैं और ये इन्हीं की सबसे पुरानी दुकान है और इनसे बात करते हैं। अब्दुल वाहद भाई मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत क्या शुक्र है अल्लाह का दुआ है। कब से ये आपने? ये तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गया वालिद साहब और करते हैं। हाँ मैं भी स्कूल जब जाता था सदर तो यहाँ से। तो आपके ताया और वालिद साहब जी, तो इसकी क्या रेसिपी होती है? गोश्त है इसमें, प्याज है और मसाले है डिफरेंट। गोश्त कौन है? बड़ा गोश्त, बीफ होता है। बीफ के बनाते हैं शुरू से। हाँ मसाले प्याज वगैरह? प्याज है और मिर्चे नमक मसाले ये घर से बना के आते हैं। हाँ जी, मशीन रखी, मशीन में बनाते हैं। तो अब आपकी दूसरी पीढ़ी काम कर रही है? जी अब दूसरी पीढ़ी लगी हुई इस काम में। खासियत बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जिसे इज्जत दे। हाँ जी, चीज़ पे होता है, चीज़ अच्छी होगी तो कस्टमर आएगा, नहीं अच्छी होगी तो एक दफ़ा आएगा दोबारा नहीं आएगा। दिखाएंगे अभी किस तरह बनते हैं यार। हाँ जी वगैरह, ठीक है चल चल। दिखाएँ जरा किस तरह बनते हैं। और इसमें ये नाजिम कीमा है आज बाद भाई, ये कीमा जो है ये इसमें जो आपने चीज़ें बताई हैं मसाले तैयार है इसमें। यस मसाले तैयार होते हैं, तैयार करके रखा है। अच्छा, और फिर इसको ये देखिए कितनी महारत से मैंने इसका कबाब बनाया और ये रखे हुए। ये कितनी ड्यूरेशन, कितनी देर में बन जाता है? 2-4 मिनट। कीमा क्या? अच्छा तो ये कीमा क्या उबाला हुआ होता है? बताएं जरा। ये मशीन में निकाला। अच्छा मशीन में निकाला। ये है नाजिम कीमा और ये भी कबाब। अच्छा ये डन हो गया, हाफ फ्राई। तो जब कोई आएगा तो फिर आप नाजिम ये हाफ डन इन्होंने रखे होते हैं तो जब भी कोई आता है कस्टमर तो फिर इसको फुल फ्राई कर देते हैं ऐसे ही। और ये 1-2 मिनट में ये बन जाता है। और इनका जायका बहुत अच्छा होता है नाजिम। मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो यहाँ से ये कबाब खा के जाता था। ये नाजिन ये जब स्टार्ट किया था ये 50 पैसे से स्टार्ट किया था और आज ये 50 रुपये का हो गया जी। ये देखिए चटनी दिखाइएगा, चटनी का ये क्या रेसिपी होती है? आमचूर, कुर्बानी, पुदीना, धनिया। अच्छा आमचूरन, आमचूर, कुर्बानी, कुर्बानी। अच्छा कुर्बानी उबाल लेते हैं
चले मैं नाज़रीन आपको चटनी है, इनकी चटनी बहुत ज़बरदस्त होती है और ये प्याज है साथ, मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। जो नाज़रीन देखें कितनी महारत से ये कबाब जो है ना इसको बना रहे हैं। बाद में पहले इसको छोटा करते हैं तो फिर फैला देते हैं, फिर छोटा कर देते हैं। फैल जाएगा तो पतला हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जल्दी पक जाता है, मोटा फिर कच्चा रह जाएगा। अच्छा, अरे भाई ये जो कीमा होता है ये टूटता नहीं, इसकी क्या खासियत है? ये नाज़रीन को बताएं जो हमारी बहनें घर बैठी हुई हैं। अक्सर घर में खातिन कीमा तैयार करती हैं। अच्छा, पकाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, फौरन नहीं पकाना? नहीं, इसकी वजह से वो टूट जाता है। अच्छा, कीमा तैयार करके तकरीबन 2-2.5 घंटे फ्रीजर में रखें। कीमा तैयार करके नाज़रीन 2-2.5 घंटे फ्रीजर में रखना है, जब आगे ठंडा हो। ठंडा होने के बाद इसको 2 किलो घी जिसके अंदर तला जाए, इसको इसे डीप फ्राई किया जाए। कम घी होगा तो वो तवे पे लगेगा। अच्छा, कम घी नहीं नाज़रीन, ज़्यादा घी वो कह रहे हो 2 किलो कम से कम। और जो कीमा है उसको जब बना लें उसमें मिक्स कर दें मसाले और 2 घंटे कम से कम फ्रीज़र में रख लें। और ये देखें ये फिर इस तरह की उसकी शक्ल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा मैंने आपको दिखाई इनकी रेसिपी क्या है। ये दो भाइयों ने शुरू किया था इसलिए इनका नाम है भाई भाई कबाब, और 50 साल से ये कर रहे हैं और इनका टेस्ट आज भी वैसे ही है जैसे कि भाई ने बताया, वो जो टेस्ट कर रहे थे खा रहे थे कि 30 साल से मैं आ रहा हूँ और टेस्ट वैसा ही है। मैं भी जब स्कूल जाता था इधर मैं पढ़ता था मुस्लिम स्कूल में, तो मैं भी यहाँ टेस्ट करके जाता था। आज भी वही इनकी पुरानी दुकान है, वैसी ही सेटिंग है, और ये दूसरी पीढ़ी इनकी काम कर रही है, जिनके बेटे हैं जिन्होंने ये शुरू किया था। मैं टेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि आज भी वैसे ही टेस्ट है कि नहीं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी मुझे चाहिए, और आप देते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे। और अब ये देखेंगे कबाब है, और ये देखें इसका कलर देखें, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। और वैसे ही नवीन, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।